डॉक्टर ने वर्चुअल रियलिटी वीडियो जारी करके दिखाया है कि कोरोना वायरस कैसे किसी व्यक्ति के फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। डॉक्टर ने अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे शख्स की 360 डिग्री 3D तस्वीरें क्लिक की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल से अधिक उम्र का एक शख्स कोरोना वायरस से पीड़ित है। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी हालत गंभीर हो गई। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने तस्वीरों के जरिए दिखाया है कि कैसे कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के दोनों फेफड़े बुरी तरह खराब हो रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी से मरीज के फेफड़ों में फैलता है। रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरें लेने से कुछ दिन पहले तक मरीज के शरीर में कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि मरीज के फेफड़ों की तस्वीर में हरे रंग का क्षेत्र दिखाता है कि कोरोना वायरस फेफड़ों की टिश्यू को कैसे बर्बाद कर चुका है। PM News 24 की रिपोर्ट।